मम्मी, मेरा नया ससुराल में मन नहीं लगता है बिल्कुल। वैसे रहा करो जैसे हमारे साथ रहती थी, एकदम मस्त होके सास ससुर को मम्मी पापा की तरह ट्रीट किया करो, जैसे मुझ पे और पापा पे अपना हक जमाती थी वैसे। मतलब कैसे? बिल्कुल फ्री होके, बिना किसी टेंशन के, एकदम आजाद होके जियो। मैं एकदम बिंदास होके। हाँ हाँ बिल्कुल, बिंदास होके, समझी? बिंदास। आहा, पापा की परी हूँ मैं। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज सुबह की टी में डैडी के साथ पीऊंगी। मम्मी, आप प्लीज मेरे और डैडी के लिए चाय बना सकती हैं? मैं चाय बनाऊं? ठीक है। थैंक यू डैडी डैडी डैडी। बेटा वो खाने का क्या? अच्छा खाना? मम्मी मेरी ना फ्रेंड्स भी आ रही हैं खाने पे, तो कुछ अच्छा बना लो। हाँ, पनीर की सब्जी टाइप सा, टिंडा लौकी मत बनाना, दे हेटेड यार। ठीक है, और कुछ? नहीं ठीक है ठीक है, बस बस बस। मम्मी आज रात में मैं नहीं आऊंगी, मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा नाइट आउट का प्लान है। बाय डैडी, मुझे ना क्लबिंग जाना है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आदि के बाद बहू का क्लबिंग जाना अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब लोग क्या कहेंगे हमको? ऐसा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा समझना जरूरी है ना। मुझे जाने जाने जाना है क्लबिंग। मुझे क्लबिंग जाना है। मुझे क्लबिंग जाना है। ए हेलो दादी, कुछ सुनो ना। सुनो, मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन ना गोवा की जैसे सोलो ट्रिप मार रहा हूँ, क्या कहते हो? शादी के बाद सोलो ट्रिप पे कैसे जा सकते हो आप? मतलब मैं शादी के बाद कहीं जा नहीं सकती? हाँ नहीं, नहीं जा सकती ना कहीं? नहीं। यार सुनो, आई वॉन्ट टू ना फील फ्री फॉर सम टाइम, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, घर का खाना पीना, मम्मी पापा पति पत्नी, ये करो वो करो, मेरे को ना थोड़े टाइम आजाद छोड़ दो यार, मेरे को जाना है। ठीक है, बेटा जी। हाँ जी मम्मी। बाहर गेस्ट आए हैं, उनके लिए चाय बना दो। मम्मी एक बात बोलो, आप प्लीज खुद चाय बना लोगे? और एक बात बताऊं, ये जो आपके गेस्ट है ना यार, दिल से बता रही हूँ, इतना बोर मारते हैं ना, इतना ज्यादा मैं बैठे बैठे पक जाती हूँ। हाँ तो थोड़ी सेल्फ केयर कर रही हूँ मैं, बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, ओके थैंक यू मम्मी। अच्छा वो दरवाजा ना सही से बंद कर देना, हर बार खुला छोड़ देते हो। थैंक यू, बाय। जब से अपने घर से वापस आई है इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, मुझे तो नौकरानी बना के रख दिया इसने। मैं अपनी सास से ऐसे बात करती ना तो घर से ही निकाल देती मुझे। इसकी माँ को फोन करके बताऊंगी ये मुझ पे कैसे ऑर्डर चलाती है। बस बहुत हो गया है, अब और नहीं झेला जाएगा मुझसे। हेलो मम्मी। हाँ यार, क्या सही एडवाइस दी थी यार आपने, मेरा तो सही से बॉन्ड बन गया ना सबसे, अब तो बहुत अच्छा लगता है यार। क्या अच्छा लगता है, ये एडवाइस दी थी मैंने तुम्हें? उनके साथ मिलके रहने को कहा था, ऑर्डर चलाने को नहीं। कल तुम्हारी सास का फोन आया था, बेचारी कितनी परेशान हो गई तुमसे। अरे यार आप ही ने तो कहा था एकदम फ्री होकर रहो, एकदम बिंदास रहो, मैं वैसे ही रह रही थी। फ्री रहने का मतलब ये थोड़ी है कि उनके सिर पे नाचो, अब जाओ कुछ काम करो जाके।